हाय फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आज के स्पेशल दिन में और स्पेशल दिन की स्पेशल वीडियो के साथ में। आपका स्वागत करता है हैशटैग गुरुजी सैमसन में। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ नया हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी जरूरी है मेरे दोस्तों। आज स्पेशल दिन है जिसको हम कहते हैं गुड फ्राइडे, यानी कि गुड फ्राइडे फ्राइडे तो हर हफ्ता आता है, लेकिन गुड क्यों है, गुड किस लिए कहा जाता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। मेरे बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें चलती हुई दिखाई देगी आपको। जी हाँ दोस्तों, यह गुड फ्राइडे का दिन एक दुख का भी दिन होता है और सबसे बड़ी खुशी का भी दिन होता है। हर शुक्रवार को हम मोमडन में कहते हैं जुम्मे के दिन, ठीक है। जुम्मा भी गुड फ्राइडे ही होता है, लेकिन गुड फ्राइडे इसीलिए कहा गया है, इस दिन ऑफिशियली छुट्टी रहती है, क्योंकि यह एक क्रिश्चियंस कम्युनिटी में गुड फ्राइडे का एक अहम भूमिका है, क्योंकि इस दिन क्रिश्चियंस धर्म के प्रचारक यानी कि ईश्वर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो दोस्तों, सूली पर यीशु मसीह क्यों चढ़े, यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, और उस 2000 वर्ष पूर्व रोमन साम्राज्य में, जिसको हम आज यहूदिया कहते हैं, यहूदिया मीन्स आपका इसराइल, जी हाँ इसराइल देश में यहूदा नगर है, बैतलहम जिसको कहते हैं, तो बैतलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और वही बैतलहम में, जी हाँ वही बैतलहम में ईसा मसीह का मृत्यु भी हुआ था। तो ईसा मसीह इस दुनिया में क्यों आए, इसके पीछे में बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है ईसा मसीह प्रेम का संदेश लेके इस दुनिया में आए। जी हाँ दोस्तों, प्रेम का संदेश लेके इस दुनिया में आए और लोगों के बीच में प्रेम का प्रचार किए और पापों से मुक्ति के लिए लोगों को शिक्षा दिया और ईश्वर के बारे में बताया उन्होंने, और ईश्वर का संदेश वाहक बनकर के इस दुनिया में आए। लेकिन कुछ यहूदियों को यह बात पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका बिजनेस में, उनके धंधे पानी में बहुत दिक्कतें आने लग गई थी, उनको जबरदस्ती सूली पर लटकवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन तीसरे दिन यानी कि ईस्टर संडे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अनुसार ईस्टर संडे एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, उन्होंने कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाऊंगा, और उन्होंने गुड फ्राइडे के दिन उन्हें सूली पर लटकाया गया, और तीसरे दिन वे पूरे शरीर के साथ में जीवित हो गए। जी हाँ दोस्तों, इस संदेश से आप क्या समझते हैं, इस संदेश से पूरे प्रेम, यानी कि आप जब भी बाइबल उठा करके देखते हैं ना, तो पूरे बाइबल में भाईचारा, मनुष्यता की कहानी दर्शाया गया है। पूरे बाइबल में ईश्वर एक दूसरे को प्रेम करना सिखाते हैं, यानी कि वे ईश्वर होकर के भी मनुष्य का रूप धारण करके हम लोगों के लिए दुख उठाने के लिए इस धरती पर आए, और हम लोगों के लिए दुख उठा करके, उन्होंने मानव बन करके दुख उठा करके इस धरती से चले गए। तो दोस्तों, आज के दिन गुड फ्राइडे के दिन में क्या होता है, चलिए जानते हैं। आज के दिन में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग चर्च जाते हैं, जी हाँ चर्च की घंटी के साथ में प्रार्थना की शुरुआत होती है, और उस प्रार्थना में प्रभु यीशु के जीवन के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार उनको दुख दिया गया था, 40 दिन किस प्रकार उन्होंने उपवास किया था, और उसी प्रकार से पूरी मानव जाति उपवास रखती है। जी हाँ, 40 दिन उपवास बहुत ही कठिनाइयों से बीतता है, और यह उपवास बहुत कठिन है, लेकिन इसको सामाजिक दस्तूर ने थोड़ी सी नॉर्मल कर दिया है, शाम को लोग खा सकते हैं और दिन भर कुछ नहीं खाना पीना, कुछ नहीं करना है। तो उपवास के बाद में लोग चर्च जाते हैं, चर्च में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और
अपने जीवन के बारे में मन्नत मांगते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी इंसान अपने दिल से जो भी मांग ले, ईश्वर उन्हें प्रदान करता है। जी हाँ, यह सच्चाई है। और यह सच्चाई का रहस्य जानने के लिए आपको चर्च जाना पड़ेगा। और चर्च हर वह जाति धर्म का स्वागत करती है। कोई भी लोग चर्च जा सकते हैं, कोई भी लोग जा सकते हैं। जी हाँ, चर्च सबके लिए खुला हुआ है। और वहां पे आप अपने लिए मन्नत मांगते हैं, यीशु ख्रिस्त के बारे में जानते हैं, ईश्वर के बारे में जानते हैं, और मन को शांति मिलती है। यह एक बहुत बड़ा प्रेम का प्रतीक चिन्ह है। जी हाँ, गुड फ्राइडे इसीलिए मनाया जाता है। यह प्रेम का प्रतीक है। इसे दुख में भी मना सकते हैं, खुशी में भी मना सकते हैं। कई लोग दुखों में मनाते हैं, कई लोग खुशियों में मनाते हैं। दुख में इसीलिए कि वे हमारे लिए प्राण त्याग दिए। कष्ट होता है जब अपने ही किसी को कोई कष्ट देता है तो दुख लगता है, तो इसीलिए यह दुख का संदेश जाता है। खुशी इसीलिए लगता है कि उन्होंने मर करके भी हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। तो यह फैक्ट के साथ में आपके लिए आज हैप्पी गुड फ्राइडे ऑल ऑफ यू गाइस। और यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो यह वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे हैशटैग गुरुजी के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।